देखिए करण जौहर की पार्टीज की वीडियो आपने देख ली होंगी, फोटोज देख ली होंगी, सोशल मीडिया पर अभी वही चल रही हैं। लेकिन पार्टी के बाद करण जौहर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब वो बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाने वाले हैं। ऐसा क्यों, तो चलिए देखते हैं वीडियो को अंत तक और जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड का शायद ही कोई ए लिस्ट सेलिब्रिटी ऐसा था जो इस पार्टी में नहीं गया हो। पर जो नहीं गया तो आप भी कमेंट कर देंगे भाई ये हमें नहीं दिखे, बाकी कमेंट में करते हैं इस चीज पर बात। बाकी जो लोग गए थे वेरी गुड भाई, जाना चाहिए आपके दोस्त करण जौहर। लेकिन इस पार्टी में काफी लोग और इन्वाइटेड थे, जैसे कि राणा दुगुबती जो कि करण जौहर के काफी क्लोज बताए गए हैं, प्रभास हैं, NTR हैं, रामचरण हैं और ऊपर से SS राजामौली। गेस्ट लिस्ट में इन सब के भी नाम थे लेकिन इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। कमाल की बात है, राजामौली इज नॉट अ बिजी, वो कहीं पे बिजी भी नहीं है फिर भी नहीं है। चलो रामचंद्र की बात करें तो अपनी मूवी को लेकर काफी व्यस्त है, लेकिन वही उनकी जो अगली मूवी आने वाली है वो कियारा के साथ आने वाली है और कियारा पार्टी में मौजूद थी, मतलब कि रामचरण भी कहीं ना कहीं अपने घर पे ही थे। लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन करण जौहर की पार्टी। ऐसे में करण जौहर काफी खफा थे क्योंकि वो शायद उम्मीद लगाए बैठे थे कि पार्टी में ये लोग भी आएंगे और जहां भाई साउथ के सितारे पहुंचते हैं हाइप अपने आप बन जाती है, लेकिन कोई गया नहीं। जिस चीज के बाद करण जौहर ने काफी अनाउंसमेंट करी कि एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बनाने वाले हैं जो बॉलीवुड सेंट्रिक होगी और फिल्म सुपरहिट होने का करण जौहर दावा कर रहे हैं, तो भाई कोई करण जौहर को ये बताएं 500,000 करोड़ लगाने से कोई फिल्म बड़ी नहीं बनती है। फिल्म बड़ी बनती है बड़ी कहानी से, बड़ी मेहनत से, बड़ी डेडिकेशन से, जो कि इस वक्त बॉलीवुड में काफ़ी मिसिंग दिखाई दे रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि इस वक्त जितनी भी फिल्में चल रही हैं वो सारी की सारी साउथ से हैं और करण जौहर को ये बात कहीं ना कहीं दिल पे लगी होगी कि भाई अब ये लोग बड़े सितारे बन गए तो मेरी पार्टी में नहीं आ रहे, क्योंकि इस आदमी को आदत पड़ चुकी है कि सब इसकी पार्टी में आए। और टू बी फ्रेंक, सारे लोग इसकी पार्टी में आए थे क्योंकि यार बॉलीवुड में कहीं ना कहीं इस बंदे ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। बाकी साउथ वालों ने सही किया, नहीं गए साउथ से, एक सितारा मेरे को वहाँ दिखाई दिया जिनका नाम था मिस्टर विजय देवरकोंडा, क्योंकि उनकी जो अगली मूवी आ रही है जो कि हाल ही में रिलीज भी हो जाएगी जिसका नाम है लाइगर, तो विजय देवरकोंडा वहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि भाई उनकी अगली मूवी आ रही है। बाकी नेक्स्ट बर्थडे पर अगर मूवी नहीं आएगी तो मेरे हिसाब से विजय देवरकोंडा भी वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, और देखते क्या होता है, बड़ी मूवी बनाते हैं कि नहीं बनाते। बाकी जनता आप मेरे को कमेंट करके बताओ, बड़ी मूवी के लिए बड़ा बजट ज़्यादा ज़रूरी है या बड़ा कंसेप्ट, बड़ा आइडिया कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।